नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल किसान एवं पशुपालन में आपका स्वागत है। आज की हमारी विजिट गांव डहा जिला बागपत में है, तो एक ऐसे पशुपालक से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो पशुपालक आज हरियाणा को टक्कर देने के लिए तैयार है, जिसके पशु वाकई शानदार हैं, रिकॉर्डेड पशु हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई जी, आपका हमारे यहाँ पर धारने पे बहुत बहुत स्वागत है भाई जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दीजिए। भाई जी, हमारा गांव दहा जिला बागपत जी, और मेरा नाम जी विकास राणा जी। तो विकास जी, आपने जो हमें इन्वाइट किया, हम सहारनपुर से चलकर आपके इन्विटेशन पर आपके जिले, तो इस पशुधन के बारे में थोड़ा सा बताएं। भाई जी, ये सेकंड इलेक्शन की झोटी है जी जी, और इसने जी दूध 26 किलो से ऊपर निकाला जी, और अब भी ये 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है, 3 महीने की भी है जी, 20 से प्लस अब भी दूध है जी इसमें। और हम है जी छोटे किसान जी, यहाँ इतनी केयर है नहीं जी, अगर कहीं ब्रीडर के पास होती तो बात अलग थी जी भैंस की। वाकई वाकई ये कहूँगा कि आज किसानी खेती बाड़ी का भी काम देखना पड़ता है, और वाकई मैं प्रशंसा करूंगा भाई साहब के इस पशुधन की। कितने महीने का ब्याह पशुधन बताया भाई साहब? 3 महीने का ब्याह है, 1.5 महीने आगे प्रेग्नेंट है बच्चा यही है। ये देखिए सच्चाई, बच्चा ही देखिए, 3 महीने का कोई पशुपालक तो इसे 1.5 महीने का ही ब्याह बताते, लेकिन वाकई भाई ने शानदार बात कही है 3 महीने का। और मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि भाई साहब ने मिल्किंग का वादा किया है, क्योंकि इन्होंने बताया कि 20 प्लस दूध है, तो इस भैंस की दोनों टाइम की मिल्किंग हम करेंगे, शाम की और सुबह की, और झूठ न हो इसलिए गूगल टाइम डेट से करेंगे। तो विकास जी, आपने बताया कि आपका पशुधन 3 महीने का ब्याह है और 1.5 महीने का प्रेग्नेंट है, तो इसे आपके घर के आया खरीद कर लाए थे? नहीं, हम इसे खरीद कर लाए थे जी राजस्थान से जी। तो कितने दिनों से शौक करते हो पशुधन का? बस ये तो बचपन से ही है जी शौक, तो जी पहले मम्मी को था, पापा को था, अब हमें जी जी जी, तो ब्लड में है। हाँ जी। ये वाकई आज मैं बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे बागपत, गाजियाबाद, दिल्ली, नोएडा, आपका मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर तक ये जो बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वाकई अच्छे पशुधन है और अच्छे पशुपालक हैं, शौक रखते हैं। तो ये देखिए पशुधन, थोड़ा सा चलाएं भाई साहब, और तो जागरूक पशुपालक हैं। आगे जो प्रेग्नेंट बताई है भाई साहब ने, धन्ना सोर की, और ये देखिए हेडर क्वालिटी, वाकई शानदार पशुधन है। प्रशंसा के जितने भी शब्द हैं मेरे पास नहीं है आज इस पशुपालक की। और ये थोड़ी गाय के बारे में बताएं। ये गाय जी देसी गाय जी, और ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है जी, देसी गाय है, 8 महीने की प्रेग्नेंट है, और ये हमने जी आवारा घूम रही थी, सब कटी पिटी थी, वहां से पकड़ के जी इसका इलाज करा और फिर घर रखी जी। तो मैं नमन करता हूँ ऐसे पशुपालक को, वाकई ही शानदार बात कही है, और शानदार पशुपालक है कि गलियों में तारों में कटफट कर ये गाय बीमार थी, कर रहा रही थी, और अपने घर पर लाकर सेवा की, और आज अपने एक बच्चे की तरह इसको रखते हैं और आगे प्रेग्नेंट कराई। ये होते हैं पशुपालक, मैं अपनी वीडियो में कह चुका हूँ कई बार कि गौ माता पन्नी चुगने के लिए न छोड़े, और ऐसे पशुपालक हैं जो मेरी वीडियो में आगे आग्रह भी है ऐसे पशुपालकों से और सभी पशुपालकों से। ये देखिए ये गाय माता अगर कहीं पन्नी चुगती फिरती, कांटों से कट फिट चुकी थी, लेकिन फिर भाई साहब ने अपने घर लाकर इसको तैयार कर अपना जो एक गाय को माता कहा गया, माता का जो अपना काम कर चुके, आगे 8 महीने की प्रेग्नेंट है, बच्चे को जन्म देगी, दूध भी देगी, तो माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, इसी तरह गाय विकास भाई और उसके परिवार को दूध पिलाएगी। तो वाकई मैं नमन करता हूँ ऐसे पशुपालकों को। और ये देखिए 8 महीने की प्रेग्नेंट है, 1 महीना अभी बच्चा देने में है, लेकिन आप अडर क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत ही कम आगे से भी देखते हैं गाय की अडर क्वालिटी ऐसी मिलेगी। ये देखिए, और हल्का सा मुझे कहीं ना कहीं थार पार्कर का हल्का सा, हम इसे हरियाणा और थार पार्कर का मिक्स कह सकते हैं।
तो विकास जी, जो दूसरे नंबर का पशुधन है, इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। सर ये हमारी दूसरे दांत की जुट्टी है जी। जी। और ये अब 4 महीने की ब्याई होली जी और 3रा महीना ज्ञापन को लग रहा है जी। जी। 14 किलो दूध है जी, पूरे वीक पर दूध देती है 22 किलो जी। जी। और पूरा 1 महीना दूध से जाती है जी, दूध देती है दिन के दिन जी। अच्छा अच्छा, पूरा पूरा पीक तक दूध देती है। ये कहे कि 10 महीने लगातार दूध देती है, तो अर्डर क्वालिटी में दिखा दूं, वाकई शानदार पशुधन है। जो पशु की दिखावट है, कुछ पशु ऐसे होते हैं कि दिखावट कम होती है, और कुछ पशु ऐसे होती है कि दिखावट बहुत अच्छी होती है, तो ऐसा पशुधन हमें कहीं कहीं देखने को मिलता है। ये देखिए अर्डर क्वालिटी, और थनों का गैप काबिले तारीफ है। अभी 4 महीने का ब्याया पशुधन भाई साहब ने बताया, तो कौन से लैक्टेशन में है भाई साहब? सेकंड लैक्टेशन में है जी। जी जी, सेकंड लैक्टेशन में है, तो आगे प्रेग्नेंट है 3 महीने की। हाँ जी। तो किस बुल से है ये जी? जो पिछली बार थी तब तो थी जी ये सुल्तान से जी, बुड्ढा खेड़े वाले से जी। हाँ, अब की बार है जी धन्ना सोर की से जी। तो दोनों भैंस आपकी? हाँ, धन्ना सोर की से है जी। धन्ना सोर की से आगे की दोनों की भैंस प्रेग्नेंट है। जयसिंह सोर की जो हिसार के सोरखी गांव से हैं, काफी अच्छा बुल, जिसकी माँ का काफी अच्छा रिकॉर्ड देखने को मिला है। हमारे यहाँ जी सीमन जो हम चाहे वो नहीं मिल पाते जी, एक आधा ही सीमन अच्छा मिलता है जी, HLDF का कोई सीमन नहीं है जी। भाई साहब विकास जी, मैं आपको बता दूं कि हमारी जो मुहिम है, हमारा जो संगठन है उत्तर प्रदेश पशुपालक संगठन जो है, वो इस मुहिम पर काम कर रहा है। और मेरे जितने भी भाई हैं, मैं नाम भी उन भाइयों के ले दूं, जैसे विकास काठा जी हैं, रोहित है भाई मेरठ से, प्रतीक चौधरी जी हैं, जुल्फान प्रधान जी हैं, मदन पाल जी हैं, हरिंदर मास्टर जी हैं, गौरव सिवाया जी हैं मेरठ से, तो क्षेत्र में सभी भाई काफ़ी काम कर रहे हैं। और आने वाले 1-2 महीनों में हम HLDB के सीमन मात्र बहुत ही कम रेट पर, जो रेट HLDB के होंगे वही रेट पर अपने उत्तर प्रदेश के पशुपालकों को प्रोवाइड कराएंगे। हमारी एक मुहिम है, हमारी एक कोशिश है, चाहे हमें अपनी जेब से पैसा खर्चना पड़े, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम उत्तम प्रदेश इसको बनाने की पूरी मुहिम हमारी है, पूरी कोशिश है। तो विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अगर कोई भाई आपसे संपर्क करना चाहे तो अपना मोबाइल नंबर और बताएं। 7060 जी 86 1247 जी। मोबाइल नंबर एड्रेस अपना कंफर्म कराएं एक बार। एड्रेस हमारा जी, मेरा नाम विकास राणा, गांव दहा, जिला बागपत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, इतना अच्छा पशुधन हमें दिखाने के लिए। धन्यवाद है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई।